प्रीमियर डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सूरत आए हो, आपको कैसा लग रहा है? सूरत आके हमेशा ही बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने अपना करियर जो है वो सूरत से ही शुरू किया था। जब मैं, ये बात है 83-84 की, जब मैं तबला बजाता था, तो पहला प्रोग्राम मेरा सूरत और बड़ौदा में, एक गुजरात के ही ऑर्गेनाइज़र थे धीरूभाई दूधवाला, उन्होंने शो किए थे। तो तब ये सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सूरत में आकर के फिल्म के लिए गाना शूट करूंगा। तो आज मुझे बहुत खुशी है। आप बॉलीवुड में म्यूज़िक दे चुके हो, अभी आप गुजराती में म्यूज़िक दे रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई भी चीज़ जब आप पहली बार करते हैं, और मैं कहने के लिए नॉन गुजराती हूँ, लेकिन मैं गुजरात का दामाद ज़रूर हूँ, क्योंकि सोनाली गुजराती है और मेरी परवरिश गुजरात में हुई है, मैंने गुजराती मीडियम में पढ़ा है, तो गुजराती मेरे लिए पहली भाषा है और मैं बहुत फ्लुएंट गुजराती बोलता हूँ। और अगर प्रोग्राम गुजरात में करना होता है तो मैं 4 घंटे गुजराती गाने गा सकता हूँ, वो भी बिना किताब में देखे हुए। तो गुजराती जो है उससे मेरे, मुझे बहुत प्यार है। तो तमे गुजराती बोली शको छो, तो आपना व्यूअर्स ने तमे गुजराती में शू संदेशो आपशो? बहु मजा पड़ी, अहीं आवीने बहु सरस लाग्यो, अने सूरतना जेटला संगीत प्रेमीओ छे ए बधाने मारा वंदन, अने बस ईश्वर पासे अमे एज प्रार्थना करिए कि आ फिल्म बहु चाले, केम के बहु सरस सब्जेक्ट छे, बहु सरस म्यूजिक थयु छे, अने जयंत भाई जे एना डिरेक्टर छे ए बहु ज सेंसिटिव डिरेक्टर छे। एमनी पहली फिल्म, आना पहला मैं एक फिल्म मैंने जोई चौक एंड डस्टर, जो बहुज क्लासिक फिल्म, ऑल टाइम क्लासिक। तो एमनी साथे काम करवानू एक आखू प्रोसेस ज जुदू छे। गुजराती माध्यम मा मारू आ पदार्पण छे, तो मने बहुज खुशी छे के आ, अने आजे मारा उपर ज आ गरबो पिक्चराइज थयो छे। तो नवरात्रि मा आ वखते आ गरबो ज તમે ચેનલ પર જોડાયા એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ।